नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल स्टडी का जो सेशन चल रहा है वो आज से रेगुलर, कल से रेगुलर हो चुका है। आज से करंट अफेयर्स भी आपके लिए रेगुलर हो चुकी है दोस्तों। इसी क्रम में एक और आपकी सहायता करने के लिए एक और प्रक्रिया यहाँ पर हम सिलेक्शन मेंटर की टीम की तरफ से लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जनरल स्टडी जो है, जनरल स्टडी के को पढ़ना, समझना, याद करना, ये काफी हद तक कई सारे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता है। लेकिन आप जब सिलेक्शन मेंटर के साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं तो इसको हम किसी भी प्रकार से आपके लिए इजी करके रखेंगे, सार्थक करके रखेंगे दोस्तों। नियमित रूप से 7 बजे शाम को 7 बजे जनरल स्टडी की क्लास चल रही है। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग जो है वो प्रार्थनीय है, सभी लोग वहां उपस्थित हुआ करिए। और साथ ही साथ जो क्लास वहां पर चल रही है, जितना कुछ भी उसमें पढ़ाया गया है उसको वन लाइनर पॉइंट में यहां पर हम एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होकर के उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके पास में एक जो पूरी की पूरी जो लेक्चर आपको मिला है वो स्टोरी के रूप में तो आपके आपके मन में रहे ही, लेकिन उसके की पॉइंट जो है वो भी आपको ध्यान रहे। तो बगैर समय बिताए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। ऐसा लेक्चर आपको हर दिन इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल से लेकर के परसों तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में एक सरसरी तौर पर रिवीजन क्लास के रूप में हम इसको रख सकते हैं। चलिए देखिए, जो हमारी पहली क्लास थी वो हिस्ट्री की थी, इतिहास की ये पहली क्लास थी। और इतिहास की पहली क्लास में बेटा हमने सिलेबस बताया था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का, और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जितना कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जितनी भी रिविजन की चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हमने एक पॉइंट यहाँ पर बताया था, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इसके नाम के बारे में है, नाम यानी कि नेम। इसके चार नाम बताए थे, इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा इसे हम हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा इसको हम कॉपर एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, कॉपर एज सिविलाइजेशन। इसके अलावा इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो और इसके अलावा एक और हड़प्पा सिविलाइजेशन। चार नाम आपको यहां पर पता चल गए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था इसका समय, टाइम पीरियड, समय यानी कि टाइम पीरियड इसका पढ़ा था अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 डेटिंग। इसका टाइम पीरियड 2350 से 1750 बिफोर क्राइस्ट पढ़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल की पॉइंट्स हैं। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहां से कोई भी चीज पूछी जाएगी तुरंत आप बता लेंगे। अगर हम इसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल हमको यहां पर इसका जो है वो लगभग यानी कि अप्रॉक्स 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और यदि अगर इसको फौरी तौर पर देखा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है यही पूरा जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके अलावा मैंने इसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये जो चार प्लेस थे इसके बारे में बताया था। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो आपका मांडा था, मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ये सबसे पूर्वी भाग है, सॉरी उत्तरी भाग है। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पूर्वी भाग जो था ये आलमगीरपुर था, ये आपका मेरठ में मिलेगा, यूपी में। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणी हिस्सा जो था ये था आपका दैमाबाद। अब दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। और इसके बाद जो वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, सुतका गेंडोर। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था ये सब जानने के लिए आप कल की वीडियो देखेंगे तो आपको विशेष रूप से सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी। इसके अलावा हमने क्षेत्रफल बता दिया, इसका समय बता दिया, इसके अलावा मैंने इसका आकार बताया था आपको, पांचवें पॉइंट के तौर पर आप याद रखेंगे इसका शेप यानी कि आकार, इसका आकार मैंने आपको बताया है ये त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगुलर। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है, शेप जो है इट्स शेप इज ट्रायंगुलर।
इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को इसके डिस्कवरी के बारे में बताना शुरू किया था, तो ये तो इसके की पॉइंट्स हो गए जो आपको यहां पर याद रखने हैं, टाइम पीरियड से लेकर के नाम से लेकर के इसके आकार तक, क्षेत्रफल तक, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो इसका एक तरीके से की पॉइंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसकी खोज कैसे हुई है, कब कब हुई है, इसके बारे में आज की क्लास में आज की क्लास में 7 बजे शाम को 7 बजे जरूर सबसे मुलाकात होगी। आप सब लोग वहां पर बने रहिएगा, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इस क्लास के रिवीजन के तौर पे हम कल फिर से प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।